आज जी भाइयों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी कैप्टन में। तो भाइयों, एक बार फिर से मैं आ गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का डिटेल वीडियो लेके, जिसमें एक एक प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा, पिच के बारे में बताऊंगा, क्या क्या यहाँ पे कौन से प्लेयर यहाँ पे चलते हैं जब दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं, कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में। ठीक है, फर्स्ट बैटिंग इंडिया की आई तो किसे कैप्टन करना है, सेकंड बैटिंग अगर चेस करने जाती है इंडिया तो किसे कैप्टन करना है, वाइस कैप्टन किसे करना है, सब कुछ ग्रैंड लीग के बारे में हर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो आराम से वीडियो में बने रहें, सब कुछ आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि ग्रैंड लीग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, किस किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को रोटेट करना है, किस प्लेयर को फिक्स रखना है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, वो मैच है हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसका सबको इंतजार था, 12वां मैच है ये वर्ल्ड कप का। ठीक है, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, 2 बजे दोपहर से ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करें इनके हेड टू हेड मैचेस की, तो 134 मैचेस इनके बीच खेले गए हैं, जिसमें 56 इंडिया जीती है और 73 पाकिस्तान जीतते आई है अब तक। ठीक है, बात करते हैं अभी पिच रिपोर्ट की। देखो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पिच न्यूट्रल होने वाला है, न्यूट्रल विकेट होने वाला है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रन पड़ेंगे और ऐसा भी नहीं कि विकेट भी बहुत ज़्यादा गिरेगा, नहीं, बैलेंस पिच रहने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग के ओवर्स में आप पेसर्स को मदद मिलती है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस पिच पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल आपका ये 250 के ऊपर का स्कोर जाने वाला है, 250 से 300 बीच का ये ओवरऑल स्कोर यहाँ बनने वाला है, ये आप मान कर चलो। ठीक है, इंडिया अगर, मुझे लगता है इंडिया अगर बैटिंग करती है फर्स्ट, तो 300 के ऊपर भी स्कोर जा सकता है। ठीक है, स्पिनर्स को बहुत कुछ खास ऐसी मदद नहीं मिलती है बीच के ओवर्स में, मिडिल में जब मैच का सैसे समझ जाओ 20 ओवर के बाद, 18-20-22 ओवर के बाद थोड़े से टर्न मिलना स्टार्ट हो सकते हैं स्पिनर्स को। ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस्ड विकेट है, रन भी बनेगा, विकेट भी मिलेगा। ठीक है, वन साइडेड कुछ नहीं होना, इसलिए मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, अच्छी सी टीम बनाएंगे, मिलके कमाएंगे। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं अभी एक एक प्लेयर्स के स्टैट्स की। ठीक है, और इनके प्लेइंग 11 की और ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों की बात करेंगे। आ जाओ बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की। ठीक है, तो इंडिया की प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है, ईशान किशन ओपनिंग करेगा, क्योंकि शुभमन गिल का कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो रिकवर कर पाया है इस मैच में भी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ईशान किशन आपको खेलते हुए दिखेंगे, ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोहित शर्मा के साथ, सेम वन डाउन कोहली, देन अय्यर, देन मिडिल, देन रविंद्र जडेजा, एस ठाकुर, अश्विन या फिर मोहम्मद शमी खेल सकते हैं इस मैच को। कुलदीप यादव, जय बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सेम रहने वाले हैं। ठाकुर, अश्विन, शमी में से कोई एक प्लेयर आज खेलेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो लग रहा है कि अगर पिच स्पिनर्स को मदद नहीं की ना, तो मेरे हिसाब से शमी कमबैक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ इंडिया के साथ ये भी है कि ये 7-8 बैट्समैन ऑलराउंडर लेके जाना चाहते हैं लास्ट तक, 8वें नंबर तक ये बैट्समैन रखना चाहते हैं, इसकी वजह से इन्हें ठाकुर या अश्विन में से किसी एक को रखना होगा, शमी खेलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, प्लेइंग 11 से अगर मैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करूं, तो फ़खर जमन नहीं खेलेगा। ठीक है, फ़खर जमन या इंडिया के खिलाफ उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो शायद फ़खर जमन को ये खिला सकते हैं। शफीक पक्का है खेलना, शफीक का, देन वन डाउन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शकील आई अहमद, मतलब इफ्तार अहमद, मोहम्मद नवाज, एस खान, एस अफरीदी, एच रऊफ, हारिस रऊफ एंड हसन अली, ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है, इसमें चेंज नहीं होगा। फ़खर जमान को मुझे लगता है कि ये खिलाएंगे, इंडिया के खिलाफ वो सही खेलता है। ठीक है, बात करते हैं इंडियन प्लेयर्स के प्लेयर स्टैट्स की। तो रोहित शर्मा पिछले मैच में 131 रन, बहुत अच्छी पारी, शानदार पारी खेली, अब मुझे लगता है 2-3 मैच अच्छा खेलने वाला है रोहित शर्मा। ठीक है, उससे पहले 0, उससे पहले 81, उससे पहले बैटिंग नहीं करा, उसके पहले 0 रन, तो मुझे लगता है कि इस मैच में रोहित शर्मा अच्छा कर सकता है, शाहीन अफरीदी इसे परेशान करेगा, अदरवाइज ये खेलेगा। अगर शाहीन अफरीदी को इसने खेल लिया तो रोहित शर्मा लंबी पारी देखने को मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। ईशान किशन बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है ईशान किशन से इस मैच में भी, आप बहुत अगर संभल के भी खेला तो 30 से 40 रन, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये खेलेगा। पिछले मैच में 47 रन, उससे पहले 0 रन, 31 रन, 18 रन। गिल खेलेंगे नहीं, बहुत कम चांस है। कोहली पिछले मैच में 55 रन, 85 रन, 56 रन। ठीक है, ये बंदा खेलता है भाई, इस पर तो नो डाउट ये कैप्टन वाइस कैप्टन अपना होने वाला है। एस अय्यर पिछले मैच में 25 रन, 0 रन, 48 रन, 105 रन। केएल राहुल पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई, उससे पहले 97 रन, उससे पहले 26 रन, उससे पहले 52 रन, उससे पहले 58 रन। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में 2 विकेट निकाले, बैटिंग नहीं आई, उससे पहले 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, बैटिंग से 11 रन, बैटिंग नहीं आई, उससे पहले 5 रन। ठीक है, तो बॉलिंग से 1 विकेट निकाल रहा है, इस मैच में उम्मीद है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से करेगा ये। रविंद्र जडेजा की मैं बात करूँ तो बैटिंग पिछले मैच में आई नहीं, उससे पहले 35 रन इन्होंने किए, उससे पहले 13 रन, उससे पहले 3 रन, बॉलिंग से विकेटलेस गए हैं पिछले मैच में, उससे पहले 3 विकेट निकाला था, उससे पहले 0, उससे पहले 3। अश्विन की बात करूँ कुछ खास इनका रहा नहीं है, 1-2 विकेट मिल जाएगा अगर खेलेंगे तो। ठीक है, 1-8 विकेट मैं मान के चलूँ, 1-2 विकेट मान के मैं चल रहा हूँ अश्विन का, अगर खेलते हैं तो 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। बुमराह ने पिछले मैच में शानदार बॉलिंग करके 4 विकेट इसने निकाला, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट। ठीक है, कुलदीप यादव 1 विकेट निकाला पिछले मैच में, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट। शमी अगर खेलते हैं, उनके स्टैट्स आप देख लो,
एक विकेट, पाँच विकेट, दो विकेट, एक विकेट। मोहम्मद सिराज जीरो विकेट, एक विकेट, एक विकेट, छः विकेट, एक विकेट। तो ये कुछ इंडिया के प्लेयर के स्टैट्स थी। अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की। शफीक 113 रन। पाकिस्तान का मैच हुआ था, मैंने इसे ग्रैंड लीग में वीसी किया था, कैप्टन किया हसन अली को। ये दोनों मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन चल गए थे, पहला मैच खेला था शफीक, अब दोनों मेरे चल गए थे। ग्रैंड लीग निकलने वाली थी, दो प्लेयर मेरे फ्लॉप हुए। अगर वो दो प्लेयर फ्लॉप नहीं हुए थे तो ग्रैंड लीग विन कर दिया था मैंने इस एक टीम से, अभी समझ जाओ। ठीक है, तो शफीक प्लेयर अच्छा है, 113 रन इसने मारा हुआ है, उससे पहले 12 रन, उससे पहले 14 रन, उससे पहले 52 रन। इमामुल हक 12 रन, 15 रन, 9 रन, 78 रन। अभी पिछले तीन बारी में कुछ अच्छी बारी इनकी आई नहीं है। बाबर आजम टोटल फ्लॉप चल रहे हैं। ठीक है, 10 रन, 5 रन, 29 रन। इस मैच में शायद ये खेलने की उम्मीद है, इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता है। मोहम्मद रिजवान काफ़ी अच्छी पारी में है, काफ़ी अच्छा फॉर्म ये खेल फॉर्म में है, काफ़ी अच्छी पारी इसने खेली थी, और 131 रन पिछले मैच में किया और उससे पहले 58 रन। ये बहुत अच्छा इसने खेला था पिछले मैच में, जो श्रीलंका के खिलाफ इसने मैच खेला ना, दिल खुश हो गया। उससे पहले 68, उससे पहले 86, मतलब लगातार इसने रन किया हुआ है वर्ल्ड कप की सीरीज़ में। शकील 31 रन, उससे पहले 68 रन, उससे पहले 9 रन। ठीक है, शकील भी अच्छा खासा खेल ले रहा है। इफ्तिखार अहमद की मैं बात करूं, 22 रन, 9 रन, 47 रन, 23 रन। बॉलिंग से विकेट कुछ खास निकाला नहीं है, एक विकेट, तीन विकेट, 0-0-1। मोहम्मद नवाज एक विकेट, एक विकेट। बॉलिंग से कुछ खास नहीं कर पाए इंडिया के मैच में, ये बंदा कर सकता है क्योंकि सारे राइट ही प्लेयर हैं, ईशान किशन और जडेजा को छोड़ के। ठीक है, तो बैटिंग से बॉलिंग से चांसेस थे कि एक आध दो विकेट ही निकाल ले। एस खान 32 रन, 3 रन, 6 रन। बैटिंग से कुछ खास किया नहीं है, बॉलिंग से एक एक विकेट इन्हें मिले हुए हैं। हरीश राव पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले 3, उससे पहले 0, 4, 3। हसन अली पिछले मैच में 6 किया, 4 विकेट निकाला हुआ है, उससे पहले 2 विकेट, 2 विकेट। अब बात करते हैं शाहीन अफरीदी की। इंडिया को अगर किसी से डर है तो वो ये शाहीन अफरीदी है। ठीक है, एक विकेट, एक विकेट, दो विकेट, एक विकेट, एक विकेट। अगर टीम इसे खेल गई तो फिर पाकिस्तान का पिटना तय है। अगर इसके स्टार्टिंग के 4-5 ओवर अगर इंडिया ढंग से खेल ली तो ये मैच निकल जाएगा, इंडिया जीत जाएगी ये मैच, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। अभी बात करते हैं दोनों टीमें जब आपस में भिड़ती हैं तो कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। केएल राहुल दो मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ 161 रन मारा हुआ है। विराट कोहली सब जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बहुत, पाकिस्तान के हर टीम के खिलाफ ये खेलता है। ठीक है, 14 मैचों में 658 रन किए हुए हैं, गिल खेलेगा नहीं। शर्मा ने 17 मैचों में 776 रन किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बॉलिंग से 10 विकेट निकाला हुआ है अश्विन ने पाकिस्तान के खिलाफ, 10 विकेट यादव ने भी निकाला हुआ है। ठीक है, 4 मैचों में 10 विकेट यादव को मिले, मतलब यादव अच्छा करता है इस मैच में। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ये अच्छा कर सकता है। पांड्या ने 6 विकेट निकाले और शमी ने निकाले 5। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इंडिया के प्लेयर थे जो अच्छा कर सकते हैं आज। अब देखते हैं पाकिस्तान से कौन है। फखर जमन ने बताया कि इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता है, 5 मैचों में 234 रन किए हुए हैं। बाबर आजम ने 6 मैचों में 168 रन और इफ्तिखार ने 23 रन किए हैं एक मैच में। बॉलिंग में 5 मैचों में 5 विकेट हसन अली के इंडिया के खिलाफ है और शादाब खान के 6 मैचों में 5 विकेट इंडिया के खिलाफ है। अभी वेन्यू की मैं बात करूं तो वेन्यू पे देखो पाकिस्तान का तो कोई वेन्यू पे अभी तक खेला नहीं है प्लेयर। इंडिया से मैं बात करूं तो अय्यर की अच्छी पारी है, 80 रन की पारी है। केएल राहुल 49 रन, शर्मा 161 रन, कोहली 158 इस वेन्यू पे करे हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें बता दूं, अय्यर को तुम ग्रैंड लीग में ले लेना, ग्रैंड लीग खेल लो, कैप्टन वाइस कैप्टन इसको ज़रूर ट्राई करना, फर्स्ट बैटिंग या सेकंड बैटिंग जब भी हो, एक मैच में एक टीम में इसको अय्यर को कैप्टन ज़रूर ट्राई करना। बॉलिंग से अश्विन को वीसी ट्राई करना, अपनी टीम में किसी एक टीम में वीसी ज़रूर ट्राई करना ग्रैंड लीग के। 5 विकेट वेन्यू पे अश्विन के हैं, 5 विकेट सिराज के हैं, 2 विकेट यादव के हैं इस वेन्यू पे। ठीक है, बात करें पिछले 5 ओडीआई की तो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के 5 ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का पलड़ा ज़्यादा भारी रहा है। ठीक है, लगातार मैचेस इंडिया नहीं जीते हुए हैं। ठीक है, 356 128 पे ऑल आउट पाकिस्तान, 336 212 ही रन बना पाए, 237 पाकिस्तान, 238 इजली चेस किया इंडिया ने, मतलब इंडिया का पलड़ा भारी है। ठीक है, अब बात करते हैं इस ग्राउंड पे हुए पिछले 4 मैचों की। इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड, पेसर्स को 5 विकेट मिले, स्पिनर्स को मिले 5 रन बने, 282 मैंने बताया ना, 250 से 300 के आसपास रन बनता है। ठीक है, 283 न्यूजीलैंड चेस कर गई, वो इंडिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो पहला मैच हुआ था ना वो उसकी वही मैच है ये, न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से जीता था। ठीक है, इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ जो मैच यहाँ पे हुआ था, 265 रन इंडिया ऑल आउट हो गई, 169 ऑल आउट वेस्ट इंडीज़ हो गई। इंडिया ने इजली इस मैच को जीता जिसमें 15 पेसर्स को मिले, 5 विकेट स्पिनर्स को मिले। देन बात करें तीसरे मैच की तो इंडिया से वेस्ट इंडीज़ हुआ जिसमें 237 रन पे 9 विकेट इंडिया का गिरा और वेस्ट इंडीज़ 93 पे ऑल आउट हो गई, जिसमें पेसर्स ने अगेन 13 विकेट निकाले हुए हैं, स्पिनर्स को मिले हैं 5। वेस्ट इंडीज़ वर्सेज इंडिया अगेन एक मैच हुआ जिसमें 176 रन वेस्ट इंडीज़ ने मारे, 178 रन बना के इंडिया मैच जीत गई 6 विकेट से। इसमें स्पिनर्स ने 8 विकेट निकाले थे और पेसर्स ने 5 विकेट निकाले थे, बट आप पेसर्स पे ज़्यादा ध्यान देना, पेसर्स इस मैच में अच्छा विकेट निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लेयर बैटल्स देख लेते हैं। फ़खर जमान 2 बार आउट किया कुलदीप यादव ने, बाबर आजम को कुलदीप यादव ने 2 बार आउट किया, रिजवान को पांड्या ने 2 बार आउट किया है,
शर्मा को हरीश रऊफ ने दो बार आउट किया है और शादाब खान को एक बार जसप्रीत बुमराह ने आउट किया है। आफरीदी ने कोहली का विकेट एक बार निकाला हुआ है, नवाज़ ने एक बार निकाला हुआ है। ये दो प्लेयर्स इनको बच के चलना है आज के मैच में, स्पेशली कोहली, ठीक है। और शादाब खान ने भी एक बार रोहित शर्मा का विकेट निकाला है, बट शादाब खान को मार भी बहुत पड़ी है, 89 रन मारा है, ठीक है। टोटल बॉलिंग स्पेल की अगर मैं बात कर लूँ तो पावर प्ले से इंडिया से आपको दिखेंगे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ठाकुर, ठीक है। पाकिस्तान से शाहीन अफरीदी, एच रऊफ, एच अली। मिडिल ओवर से आपको हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव आपको मिडिल ओवर में दिखेंगे। और ही पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिकार अहमद तब बॉलिंग कराएगा जब लेफ्ट हैंडर कोई सामने होगा, अदरवाइज़ ये बॉलिंग नहीं कराने वाला। अगर मिडिल ओवर में ईशान किशन रुका हुआ है या फिर रविंद्र जडेजा खेल रहा है तो भी इफ्तिकार अहमद से ये बॉलिंग करवाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ शादाब खान और मोहम्मद नवाज ही बॉलिंग कराएंगे। डेथ ओवर में आपके सेम बुमराह, सिराज और ठाकुर आएंगे, ठीक है। और पाकिस्तान से आपको शाहीन अफरीदी स्पेशली दिखेगा डेथ ओवर में, देन एच रऊफ और हसन अली, ये आपको डेथ ओवर में दिखेंगे पाकिस्तान से, ठीक है। अभी ज़रा बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के कुछ प्लेयर्स की, जो भी मल्टीपल टीम तुम बना रहे हो अपनी ग्रैंड लीग की, उसमें ये जो प्लेयर मैंने दिया हुआ है टॉप पिक्स में, कोहली, रिजवान, बुमराह, पांड्या, जडेजा, अफरीदी एंड एच रऊफ, इन्हें आप करेंगे फिक्स, ठीक है। इन्हें फिक्स लेके चलना है हर टीम में, जीएल की हर टीम में इन्हें करना फिक्स। रेगुलर पिक्स जिन्हें आप रोटेट करोगे, ठीक है, किसके साथ, फिक्स प्लेयर्स के साथ। रोटेट करने वाले प्लेयर ये हैं केएल राहुल, शर्मा, बाबर आजम, एस खान और आपके कुलदीप यादव। इन प्लेयर्स को फिक्स प्लेयर के साथ आपको करना है रोटेट, ठीक है। इन प्लेयर को फिक्स प्लेयर के साथ करना है रोटेट, ठीक है। ये रोटेट वाले प्लेयर हैं जिन्हें इनके साथ आपको रोटेट करना है। रिस्की पिक से मैं बात करूँ, जिनमें से आप एक एक प्लेयर इन दोनों टीम में डालोगे, एक एक प्लेयर आप इन दोनों टीम में डालोगे, इस टीम, इस प्लेयर में से, जिसमें हैं मोहम्मद सिराज, इफ्तिकार अहमद, एस ठाकुर, मोहम्मद नवाज़, इन इमामुल हक और ईशान किशन, ये आपको इसमें रिस्की पिक के तौर पे मल्टीपल टीमें एक एक प्लेयर लगाना है। फिक्स प्लेयर ये रहेंगे, रोटेट करने वाले प्लेयर ये, और रिस्की पिक्स आपके ये रहेंगे। तो ये कुछ बात होगी ग्रैंड लीग की, इस तरह से कम तीन टीम बनाओ, चार टीम बनाओ, पांच टीम बनाओ, ठीक है। कम से कम तीन टीम तो बनाओ, दो से तीन टीम तो बनाओ ही मिनिमम, ठीक है। और उससे ज़्यादा भी आप जा सकते हो, 5, 6, 7, 8, 10 तक टीम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी ज़रा कैप्टन वाइस कैप्टन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। कैप्टन की मैं बात करूँ अगर तो सीधे विराट कोहली पहली चॉइस है, देन दूसरी चॉइस रोहित शर्मा, तीसरी चॉइस मोहम्मद रिजवान क्यों, काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहा है, काफ़ी अच्छा फॉर्म इसका चल रहा है, अच्छा खेल रहा है बंदा ये, ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान, ये तीन प्लेयर आपके सेफ चॉइस हैं स्मॉल लीग के। ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं अगर, हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको देगा, बुमराह फर्स्ट बॉलिंग आती है बुमराह को कैप्टन ट्राई करना, मोहम्मद सिराज फर्स्ट बॉलिंग में मोहम्मद सिराज को CVC ज़रूर ट्राई करना, बाबर आजम देखो अभी फॉर्म इसका डाउन है तो कैप्टन वाइस कैप्टन इसे लोग ट्राई नहीं करेंगे, इस मैच में इंडिया के खिलाफ अच्छा कर सकता है, कैप्टन है, अच्छा प्लेयर है, तो आउट ऑफ फॉर्म भले ही है बट ये प्लेयर अच्छा कर सकता है, तो CVC का अच्छा चॉइस है ये भी। शाहीन अफरीदी फर्स्ट बॉलिंग आई, कैप्टन वाइस कैप्टन आग बंद करके इसे बनाना, सेम हरीश रऊफ के साथ भी जाता है, फर्स्ट बॉलिंग अगर आती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन इन्हें आग बंद करके बनाना जीएल में अपने। एस खान, इन्हें आप अपनी टीम में चाहे फर्स्ट बैटिंग आए चाहे फर्स्ट बॉलिंग आए, किसी एक टीम में इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर ट्राई करना, और उस टीम में से आप कोहली को निकाल देना, ठीक है, जिसमें आप शादाब खान को कैप्टन बनाओ उसमें कोहली को निकाल देना, ठीक है। तो ये कुछ बात होगी कैप्टन वाइस कैप्टन की, हमारी स्मॉल लीग की, ग्रैंड लीग की सारी बात होगी। अभी चलते हैं अपने ड्रीम 11 टीम पे, देखते हैं आज की हमारी टीम क्या होने वाली है। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दो, और जो भाई हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह से धुआं थार हमारी कमाई चल रही है वर्ल्ड कप में। और इसके अलावा जो मैच खेलते हैं T10 जो अच्छे मैचेस होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूरी है। इसकी अपडेटेड टीम भी मैं आपको वहीं देता हूँ, अगर कुछ चेंजिंग हुई या प्लेयर नहीं खेलते हैं तो उसकी सारी न्यूज़ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आज अभी ज़रा अपनी ड्रीम इलेवन टीम देखते हैं आज की। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से मोहम्मद रिजवान, केएल राहुल इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग के लिए आप ईशान किशन के साथ जा सकते हो, ठीक है, रिस्की पिक है। बैटिंग से मैं बात करूं रोहित मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर इसने शाहीन अफरीदी को थोड़ा बहुत भी खेल लिया ना, मैं बताऊं तीन ओवर अगर ये रुक गया शाहीन अफरीदी का तो फिर बेड़ा पार है। विराट कोहली और शफीक अच्छा खेल रहा है, देखता हूं शफीक को लेना है कि नहीं लेना। ऑलराउंडर से हार्दिक पांड्या, एस खान, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद नवाज़, ठीक है। बॉलिंग से बुमराह,
आफरीदी, हारिस रऊफ, ये तीन प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिलहाल कुछ ये मेरी टीम रहने वाली है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ, कैप्टन विराट कोहली, और स्पेशली अगर ये चेस करने गए हैं तो कैप्टन विराट कोहली। एक चेंज और बॉलिंग में स्ट्रगल लूँगा अगर ये फर्स्ट बॉलिंग लेते हैं तो, और विराट कोहली का कर दूंगा कैप्टन। वीसी में बनाऊंगा पांड्या या फिर एम रिजवान, ये कुछ टीम होने वाली है। बॉलिंग सेक्शन से शायद मैं एक आध चेंज करूँ और बैटिंग से एक आध चेंज कर सकता हूँ, जो कि मैं आपको फाइनल बताऊँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है सब कुछ मैंने आपको कवर कर दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ग्रैंडली वगैरह सब चीज़ के बारे में आपको बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।